हाय गाइस, गुड डे, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट चैप्टर इज इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट चैप्टर की डिपेंडेंसी पूरी तरह रिडॉक्स रिएक्शन पे है। इससे अगला चैप्टर हमारा वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन और टाइट्रेशन होगा। डियर स्टूडेंट्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज रिडॉक्स रिएक्शन हो, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट हो, टाइट्रेशन हो। रिडॉक्स रिएक्शन में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ एन फैक्टर कर दिया था। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट और टाइट्रेशन, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में हम लोग एन फैक्टर का जादू देखेंगे। टाइट्रेशन में जिस बच्चे को एन फैक्टर के ऊपर पकड़ हो गई, मान लीजिए उसका इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट बहुत आसान हो गया, मान लीजिए टाइट्रेशन बहुत आसान हो गया। रिडॉक्स रिएक्शन में एन फैक्टर कैलकुलेशन का बेसिक डेफिनेशन हम लोगों ने देखा था व्हाइल स्टडिंग रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर, दैट इज प्रीवियस वन। व्हाट वी हैव स्टडीड कि वन मोल ऑफ एटम, वन मोल ऑफ आयन, वन मोल ऑफ मॉलिक्यूल द्वारा कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पर मोल ऑफ एटम, पर मोल ऑफ आयन, पर मोल ऑफ मॉलिक्यूल लॉस या गेन हो रहे हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन पर एटम, पर आयन, पर मॉलिक्यूल ऑन एन एवरेज इज एन फैक्टर ऑफ रिस्पेक्टिव एटम, आयन और मॉलिक्यूल। एक एटम, आयन, मॉलिक्यूल कितने इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन कर रहा है, और एक मोल ऑफ एटम, आयन और मॉलिक्यूल कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन कर रहे हैं ऑन एन एवरेज, वही उसका एन फैक्टर है। और अब इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में उसी एन फैक्टर के जादू को हम आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले मैं मोल कॉन्सेप्ट और इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट का जरा कंपैरिजन करता हूँ। मोल कॉन्सेप्ट आप लोग पढ़ चुके हैं, सबसे पहला चैप्टर था हमारा। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखो बच्चों, मोल कॉन्सेप्ट में कुछ टर्म्स हम लोग यूज करते हैं और क्रॉसफॉन्डिंग टर्म्स इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में आ जाएंगी। जैसे ही मोल कॉन्सेप्ट से क्रॉसफॉन्डिंग टर्म इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट की बात करेंगे तो आपके लिए समझना आसान हो जाएगा, इसलिए मैं कोरिलेशन कर रहा हूं। वैसे इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट है क्या? इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन करने का एक कॉन्सेप्ट है, एक मैथमेटिकल टूल है। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से वही रिएक्टेंट का कितना अमाउंट रिएक्ट हुआ तो प्रोडक्ट का कितना अमाउंट बना, स्टोइकियोमेट्रिक कोरिलेशन, दैट इज क्वांटिटेटिव कोरिलेशन बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, यानी कि स्टोइकियोमेट्रिक इक्वेशन करने के लिए मोल कॉन्सेप्ट हमारे पास एक मैथमेटिकल टूल था, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट दूसरा टूल है, और तीसरा पीओईसी होता है। तो इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट और पीओईसी की ब्यूटी ये होती है कि इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट और पीओईसी में हमें कोफिशियंट्स की जरूरत नहीं है। हमें पता होना चाहिए रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है, उनका फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, लेकिन बैलेंस केमिकल इक्वेशन में बैलेंसिंग यानी कि स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स की जरूरत नहीं होती है। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में जरूरत नहीं होती है। अब इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में हम पढ़ते हैं तो सबसे सर्वोत्तम चीज है लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। क्या? लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। अब लॉ ऑफ इक्विवेलेंस का मतलब क्या है वो अभी हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही सिंपल है, यू विल एंजॉय इट। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट बहुत ही ब्यूटीफुल चैप्टर है। जो बच्चे समझने की अप्रोच रखते हैं दे विल हैव फन। और टाइट्रेशन में भी सेम, बस एक चीज समझ लो फ्रॉम द वेरी आउटसेट। जिस बच्चे को एन फैक्टर के ऊपर कमांड हो गई उसके लिए इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट कछु भी नहीं, उसके लिए टाइट्रेशन, वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन चैप्टर कछु भी नहीं। जिसको एन फैक्टर आता है उसके लिए लाइफ आसान हो जाएगी, बहुत आसान। तो बच्चों, जब मैं एन फैक्टर पढ़ा रहा हूं तो हैव एप्ट अटेंशन, एक एक चीज ढंग से समझो। एन फैक्टर किस केस में कैसे कैलकुलेट करते हैं? जैसे अभी तक का जो एक्सपोजर है सिर्फ रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ने के बाद, कि एन फैक्टर की एक डेफिनेशन आपने पढ़ी है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन पर एटम, पर आयन, पर मॉलिक्यूल इज एन फैक्टर ऑफ रिस्पेक्टिव एटम, आयन और मॉलिक्यूल। एक एटम, आयन और मॉलिक्यूल ने कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किए या गेन किए ऑन एन एवरेज, वही उसका एन फैक्टर है। एन फैक्टर आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, एन फैक्टर
फ्रैक्शनल भी हो सकता है, पॉजिटिव फ्रैक्शन वैल्यू, पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू। फॉर एन फैक्टर कभी जीरो नहीं होता, एन फैक्टर कभी नेगेटिव नहीं होता, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो, इंटीग्रल, सब वैल्यू, नॉन इंटीग्रल वैल्यू, सब हो सकता है ऑक्सीडेशन नंबर। लेकिन मैं एन फैक्टर की बात कर रहा हूँ, एन फैक्टर अलग चीज है ऑक्सीडेशन नंबर से। रिडॉक्स रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन करते हैं जो ऑक्सीडाइज या रेड्यूस होते हैं केमिकल स्पीसीज, लेकिन नॉन रिडॉक्स रिएक्शन में तो इलेक्ट्रॉन लॉस गेन नहीं होते हैं। ध्यान रखिए, जो एन फैक्टर के डेफिनेशन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन पर एटम, पर आयन, पर मॉलिक्यूल, ऑन एन एवरेज जो एन फैक्टर की डेफिनेशन आपने पढ़ी थी, वो सिर्फ रिडॉक्स रिएक्शन के लिए मान्य है। नॉन रिडॉक्स रिएक्शन में तो इलेक्ट्रॉन लॉस गेन ही नहीं होंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस गेन वाली डेफिनेशन भला कैसे यूज कर सकते हैं? यू कांट यूज इट। तो नॉन रिडॉक्स रिएक्शन में एन फैक्टर कैसे निकालते हैं? दैट इज डैमेजिंग। जो भी कॉम्प्लिकेशन आते हैं एन फैक्टर कैलकुलेशन में, वो इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में आते हैं। अभी तक आपके इस 5 to 10 minutes के डिस्कशन में आपने ऑब्जर्व किया होगा, मैंने सब ज्यादा बखान किया है वो एन फैक्टर का किया है, क्योंकि एन फैक्टर बहुत गजब की चीज है बेटा। तो एन फैक्टर जैसे ही हम पढ़ेंगे, धीरे धीरे हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, इक्विवेलेंट मास किसे बोलते हैं, फिर ग्राम इक्विवेलेंट्स किसे बोलते हैं, सब कुछ हम लोग समझेंगे। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में नॉर्मलिटी क्या है, और सब जगह आप समझोगे कि बिना एन फैक्टर के आपका सर्वाइवल नहीं है। तो धीरे धीरे ग्रेजुअली हम लोग बढ़ेंगे और फिर एन फैक्टर के ऊपर भी आएंगे हम, एक इंट्रोडक्शन ऑफ इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट देकर और लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या बोलता है, फिर हम उसके बाद एन फैक्टर एन फैक्टर एन फैक्टर की बात करेंगे। मोल कॉन्सेप्ट देखो, मोल कॉन्सेप्ट में हम पहला टर्म यूज करते हैं मोल्स, और मोल्स की जगह पर इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में हम लोग यूज करते हैं इक्विवेलेंट्स। मोल्स को हम एन से लिख देते हैं, इक्विवेलेंट्स को हम इक्यू से लिख देते हैं, ठीक है। मोल्स को हम ग्राम मोल्स भी बोलते हैं, इसी तरह इक्विवेलेंट्स को हम ग्राम इक्विवेलेंट्स बोलेंगे। तो मोल्स बोलो या ग्राम मोल्स बोलो, इक्विवेलेंट्स बोलो या ग्राम इक्विवेलेंट्स बोलो, बोथ इक्विवेलेंट्स एंड ग्राम इक्विवेलेंट्स बोथ आर वन एंड द सेम थिंग। मोल्स एंड ग्राम मोल्स आर बोथ वन एंड द सेम थिंग। तो मोल्स की जगह पर क्या टर्म आ जाएगा उधर? इक्विवेलेंट्स। हम बोलेंगे 5 मोल ऑफ गैस है, वहां पर इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट पढ़ते टाइम हम क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस को 5 मोल ऑफ गैस की बजाय 5 मोल ऑफ, 5 इक्विवेलेंट ऑफ गैस, 10 इक्विवेलेंट ऑफ गैस, इक्विवेलेंट्स में क्वांटिटी की बात करेंगे, ठीक है। इक्विवेलेंट्स मोल की जगह पर जस्ट उसका सब्स्टिट्यूट हो जाएगा इक्विवेलेंट। जहां हम वर्ड यूज करते थे मिलीमोल्स, कॉरस्पॉन्डिंगली उसकी जगह वर्ड यूज करने लग जाएंगे मिली इक्विवेलेंट। मिली इक्विवेलेंट को शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, चॉइस इज योर्स, मिली इक्विवेलेंट, ठीक है। मिली इक्विवेलेंट को चाहे आप ऐसे लिखो या फिर दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो, मिली इक्विवेलेंट हो गए। जहां मिली मोल थे उसकी जगह मिली इक्विवेलेंट, मोल थे उसकी जगह इक्विवेलेंट हो गए। यहां पर हम टर्म यूज करते थे मोलरिटी, सबको पता है मोलरिटी। मोलरिटी की जगह पर ऑल ऑफ अस नो इट, हम इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में एक नई टर्म यूज करने लग जाएंगे नॉर्मेलिटी। जिस तरह हम मोलरिटी मोल्स, मोलरिटी क्या था, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, मोल्स की जगह पर क्या आ जाएगा इक्विवेलेंट्स। तो नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। कॉरस्पॉन्डिंगली मोलरिटी की जगह पर नॉर्मलिटी यूज करने लगेंगे, मोल्स की जगह पर इक्विवेलेंट्स यूज वर्ड यूज करने लगेंगे, मिलीमोल्स की कॉरस्पॉन्डिंग एक टर्म आ जाएगा मिली इक्विवेलेंट्स। फिर अगर हम बात करें, मोलर मास था यहां पर, 1 मोल का मास मतलब मोलर मास, मोलर मास को भी हम मोलरिटी की तरह एम से ग्राम एटोमिक मास, ग्राम मोलिकुलर मास, सबको मोलर मास हम लोग बोलते थे। मोलर मास की जगह पर हम लोग टर्म यूज करने लगेंगे इक्विवेलेंट मास, और इक्विवेलेंट मास को आप लोग डिनोट करोगे ई से। मोलर मास को एम से और इक्विवेलेंट मास को ई से डिनोट करोगे। यहां पे आइडियल गैस के लिए आप स्टैंडर्ड
मोलर वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस यूज करते थे एंड दैट इज 22.4 लीटर पर मोल. ये किसके लिए था? आइडियल गैस. स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम की जगह नई टर्म आने लगेगी इधर, दैट इज स्टैंडर्ड. एसटीडी मतलब स्टैंडर्ड लिख रहा हूं. स्टैंडर्ड इक्विवेलेंट वॉल्यूम, स्टैंडर्ड इक्विवेलेंट वॉल्यूम. ये मोल कॉन्सेप्ट की दुनिया है और क्रॉसपोंडिंग टर्म इनकी जगह पर आ जाएंगे इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में. ये अब देखो, जहां मोल कॉन्सेप्ट में मोल्स वर्ड यूज करते थे, मोल्स यूज करते थे, उसी की जगह पर एक नई टर्म आ जाएगी इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में, इक्विवेलेंस. मोल्स बोलो या ग्राम मोल्स बोलो, इक्विवेलेंस बोलो या ग्राम इक्विवेलेंस बोलो. जहां पे हम मिलीमोल यूज करते थे उस जगह पर मिलीइक्विवेलेंट्स आ जाएगी. बताओ जहां पे मोलरिटी यूज करते थे उसी जगह नया टर्म क्या आ जाएगा इधर? सेम उसी की तरह ही यूज होगा, उसका डिफरेंट है. ऑल ऑफ दीज आर डिफरेंट फ्रॉम दीज, वैल्यू इनकी उनसे डिफरेंट रहेगी इन जनरल, बट क्रॉसपोंडिंग वर्ड होंगे. फॉर्मूला वगैरह देखोगे इससे ये जस्ट इतना ही चेंज हो रहा है. मोल की जगह इक्विवेलेंट आने लगे, मिलीमोल की जगह मिलीइक्विवेलेंट दर्शन देंगे. मोलरिटी की क्रॉसपोंडिंग टर्म इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में प्रेजेंट होगी नॉर्मलिटी. मोलर मास किसी भी सब्सटेंस की जगह पर इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास को इससे डिनोट करेंगे, नॉर्मलिटी को एन से डिनोट करेंगे. आइडियल गैस के लिए, आइडियल गैस के लिए ये क्या है? स्टैंडर्ड इक्विवेलेंट वॉल्यूम इन प्लेस ऑफ स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम. स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम 180 mM and 273 केल्विन पे आपने याद किया था 22.4 लीटर, और 22.4 लीटर कहां से आया था? PVG को टू NRT से आइडियल गैस इक्वेशन से कैलकुलेट करके आ गया था स्टैंडर्ड इक्विवेलेंट वॉल्यूम. अब इन सारे मोल कॉन्सेप्ट की चीजों को और इन इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट की चीजों को हम कोरिलेट करते हैं थ्रू N फैक्टर, वैलेंसी फैक्टर. N फैक्टर को NF लिख दो, वैलेंस फैक्टर बोलो, एक्स फैक्टर बोलो, बहुत सारे नाम होते हैं. सबसे कॉमन हम एन फैक्टर या फिर वैलेंसी फैक्टर के नाम से जानते हैं. एन फैक्टर बोलो, वैलेंसी फैक्टर बोलो, वैलेंस फैक्टर बोलो, एक्स फैक्टर बोलो, ऑल दीज नेम्स आर यूज फॉर एन फैक्टर ओनली. तो मोल कॉन्सेप्ट और इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट के इन क्रॉसपोंडिंग पैरामीटर को आपस में जब भी मैथमेटिकली कोरिलेट करेंगे तो किसका जादू चलेगा? एन फैक्टर का. किसका जादू चलेगा? एन फैक्टर का. यानी कि इनके बीच का जो ब्रिज है, कनेक्टिंग एलिमेंट है, वो है एन फैक्टर. मोल कॉन्सेप्ट और इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, जैसे मैं आपको बताता हूं इक्विवेलेंट्स क्या हो जाएंगे. इक्विवेलेंट्स ऑफ सब्सटेंस, मोल्स ऑफ सब्सटेंस मल्टीप्लाइड बाई एन फैक्टर ऑफ सब्सटेंस. मिली इक्विवेलेंट्स क्या हो जाएंगे किसी सब्सटेंस के? उस सब्सटेंस के मिली मोल्स मल्टीप्लाइड बाई एन फैक्टर. नॉर्मलिटी क्या हो जाएगी बच्चों? मोलरिटी मल्टीप्लाइड बाई एन फैक्टर. ये नॉर्मलिटी किसी सॉल्यूट की सॉल्यूशन होगी, मोलरिटी भी किसी सॉल्यूट की सॉल्यूशन होगा, एन फैक्टर भी सॉल्यूट का ही होगा. ये क्या है यहां पर? दिस इज मोलरिटी. और आयनिक कंपाउंड होगा तो मोलरिटी की जगह हम बोल देते हैं फॉर्मलिटी. अब मोलर मास और इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर. ये क्या है यहां पर? मोलर मास. यहां पे एम का मतलब मोलरिटी है, यहां पे एन का मतलब मोलर मास है ना. अब स्टैंडर्ड इक्विवेलेंट वॉल्यूम क्या होता है? स्टैंडर्ड इक्विवेलेंट वॉल्यूम वॉल्यूम इज इक्वल टू स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम डिवाइड बाई एन फैक्टर. तो ये रिलेशन है आपके. यस, आपके लिए फॉर्मूलाज हो गए. इनफैक्ट क्या ये सब आपको ध्यान भी रखना है. मोल निकालने के तो चार फॉर्मूलाज मुझे पता थे, डब्ल्यू बाई एम, एन बाई एन ए, वीन लीटर एट एसटीपी डिवाइड बाय 22.4 एंड मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर ऑफ सॉल्यूशन.
मोल निकालने के चार तरीके पता है, एक बार मोल आ गया तो इक्विवेलेंट निकल जाएगा, बस मुझे एन फैक्टर चाहिए, जिस भी सब्सटेंस के मोल है उसी सब्सटेंस का एन फैक्टर मुझे पता है तो उसी सब्सटेंस के इक्विवेलेंट्स निकल जाएंगे। मोल तो मुझे निकालना आता है मोल कॉन्सेप्ट में, मोलरिटी तो मुझे निकालनी आती है मोल कॉन्सेप्ट में, मोलर मास तो मुझे निकालना आता है मोल कॉन्सेप्ट में, स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम तो मुझे निकालना आता है मोल कॉन्सेप्ट में। अगर मोल कॉन्सेप्ट में मुझे मोल निकालना आता है, कास्ट मुझे एन फैक्टर आ जाए तो इक्विवेलेंट तो भाग भाग के निकल जाएंगे। मिलीमोल्स तो मुझे निकालना आता है, जैसे मोल्स चार फॉर्मूला से निकालते हो, मिलीमोल्स भी चार फॉर्मूला से हम लोग निकाल लेते हैं सेम वे, तो मिलीमोल्स निकालना तो मुझे आता है मोल कॉन्सेप्ट से, बस एन फैक्टर आ जाए तो मुझे मिली इक्विवेलेंट्स निकालना भी आ जाएगा। मोलरिटी तो मुझे निकालना आता है मोल कॉन्सेप्ट से, बस मुझे एन फैक्टर आ जाए तो मुझे नॉर्मलिटी बिंदास आ जाएगी। मोलर मास तो मुझे निकालना आता है मोल कॉन्सेप्ट से, बस एन फैक्टर आ जाए तो इक्विवेलेंट मास तो भाग भाग के आ जाएगा। स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस तो मुझे आता है PVg/NRTC 22.4 लीटर पर मोल, वो तो मुझे याद भी है, बस एन फैक्टर आ जाए तो स्टैंडर्ड इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस, ये किसके लिए है, ओनली फॉर आइडियल गैस, दिस रिलेशन इज ओनली फॉर आइडियल गैस, यानी कि N factor, equivalent concept का कोई भी parameter, mole concepts के parameter से, corresponding parameter से correlate करना है, तो through N factor, ये formulas हैं, through N factor, ये आपको पक्का ध्यान होने चाहिए। बताओ, equivalent mole multiplied by N factor, millimole is millimole multiplied by N factor, normality is molarity multiplied by N factor, तो यहाँ तीनों जगह देखोगे तो क्या है, मोल्स की चीज मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर इज इक्वल टू इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट का पैरामीटर, मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर इक्वल्स मिलीमोल्स मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर इज मिलीइक्वल्स, मोलरिटी मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर इज नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन। पर मोल कॉन्सेप्ट का जो मोलर मास है डिवाइड बाय एन फैक्टर करेंगे तो इक्विवेलेंट मास निकलेगा, यहां पे डिवाइड करते हैं एन फैक्टर, मोलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर इज इक्विवेलेंट मास, इसको हम रिडॉक्स रिएक्शन में यूज कर रहे थे, ये जनरलाइज चीज है, रिडॉक्स नॉन रिडॉक्स किसी में भी है, दीज आर बेसिक रिलेशन विच आर यूजफुल ऑल द टाइम्स। स्टैंडर्ड इक्विवेलेंट वॉल्यूम ये तो सिर्फ आइडियल गैस के लिए, 22.4 लीटर की बजाय क्या हो जाएगा स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम, अगर 1 बार प्रेशर ले लें और 273 केल्विन टेम्परेचर ले लें तो 22.4 लीटर की बजाय 1 मोल आइडियल गैस का वॉल्यूम 22.7 लीटर हो जाता है, राइट। तो ये है, तो मोल कॉन्सेप्ट और इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट के जो पैरामीटर्स हैं बच्चों, उनके बीच में सब जगह एन फैक्टर यूज करते हैं, एन फैक्टर, वैलेंसी फैक्टर, वैलेंस फैक्टर, इक्विवेलेंस फैक्टर, या फिर एक्स फैक्टर, इक्विवेलेंस फैक्टर भी बोल देते हैं, वैलेंस फैक्टर, वैलेंसी फैक्टर, एक्स फैक्टर, एन फैक्टर, ये सब टर्म यूज किए जाते हैं। तो बस मुझे एन फैक्टर आ गया तो मुझे सब कुछ आ गया, बस एन फैक्टर का ही जलवा है दोस्तों, मैं एन फैक्टर की इंपॉर्टेंस आपके दिमाग में डालना चाह रहा हूं। अब एन फैक्टर की कैलकुलेशन हम लोग देखेंगे धीरे धीरे, पहले हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि इक्विवेलेंट मास को कैसे डिफाइन करते हैं, जैसे मोलर मास कैसे डिफाइन किया था हमने, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम, 1 मोल ऑफ आयन, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल इज मोलर मास, मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज मोलर मास, अगर उसको ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं, मास इन ग्राम ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज 1 मोल ऑफ पार्टिकल्स इज मोलर मास, राइट। तो इसी तरह 1 इक्विवेलेंट, 1 मोल सब्सटेंस का मास होता है वो मोलर मास होता है, 1 इक्विवेलेंट सब्सटेंस का जो मास होगा उसको इक्विवेलेंट मास बोलेंगे। लेकिन इक्विवेलेंट मास को हम पहले कैसे डिफाइन करेंगे और किस तरह इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर रिलेशन पे हम लोग पहुंचे थ्रू इट्स डेफिनेशन, मोलर इक्विवेलेंट मास डिफाइन करने के बाद हम लोग नॉर्मलिटी डिफाइन करेंगे, राइट, और फिर इक्विवेलेंट्स और ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालने के, जिस तरह मोल और ग्राम, मोल और मिलीमोल निकालने के मोल कॉन्सेप्ट में चार बेसिक फॉर्मूलाज पढ़े थे, उसी तरह इक्विवेलेंट और ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए भी हम चार बेसिक तरीका, बेसिक फॉर्मूलाज देखेंगे, राइट। तो ये सब रिलेशन है, याद होना चाहिए, जल्दी से बताओ, मोल मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर इज इक्विवेलेंट, मिलीमोल मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर इज मिलीइक्विवेलेंट, मोलरिटी मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर इज नॉर्मलिटी, लेकिन दो जगह एन फैक्टर डिवाइड करते हैं क्या, मोलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर इज इक्विवेलेंट मास, स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस डिवाइड बाय एन फैक्टर इज स्टैंडर्ड इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। तो ये चीजें हैं, यहाँ पे इक्विवेलेंट मास और स्टैंडर्ड इक्विवेलेंट वॉल्यूम में मोल कॉन्सेप्ट के पैरामीटर से डिवाइड करते हैं, बाकी इक्विवेलेंट्स मिलीइक्विवेलेंट्स और नॉर्मलिटी में मोल कॉन्सेप्ट के पैरामीटर, कॉरस्पॉन्डिंग पैरामीटर से एन फैक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं।
ये रिलेशन है, मैंने एक ही चीज को बार बार अलग अलग तरीके से आपके दिमाग में पुट करने की कोशिश की. होपफुली आई एम सक्सेसफुल टू पुट द थिंग्स एट राइट प्लेस इन योर मेमोरी. ओके दोस्तों, ये हम मॉल कॉन्सेप्ट के कुछ और इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट के कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स की बात कर रहे थे और सब का आपस में रिलेशन देखा थ्रू एन फैक्टर. अब हम डिस्कस करेंगे कि इक्विवेलेंट मास किसे बोलते हैं और इक्विवेलेंट मास को हम कैसे डिफाइन करेंगे, ना हाउ इक्विवेलेंट मास और व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इक्विवेलेंट मास. हम लोग सबसे पहले इक्विवेलेंट मास की बात करते हैं. इक्विवेलेंट मास और इक्विवेलेंट वेट, केमिस्ट्री में मास और वेट को इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हो, वी पीपल नो इट. तो दोस्तों इक्विवेलेंट मास को हम डिनोट कैसे करते हैं, इससे डिनोट करते हैं और फॉर्मूला भी आपको पहले से याद है, E इज इक्वल टू मोलर मास डिवाइड बाई एन फैक्टर. ओके, अब इक्विवेलेंट मास को हम डिफाइन कैसे करेंगे. देखो 1.008 ग्राम और 1 ग्राम ही बोल दो अप्रोक्सीमेटली ऑफ हाइड्रोजन, 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन ग्राम ऑफ क्लोरीन 108 ग्राम ऑफ सिल्वर. के साथ जितना ग्राम इक्विवेलेंट मास बोल देता हूं मैं, वेट इन ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस विच रिएक्ट और displaces 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन और 35.5 ग्राम ऑफ और 108 ग्राम ऑफ सिल्वर. क्या समझे इससे आप, ग्राम इक्विवेलेंट मास क्या है किसी सब्सटेंस का, उस सब्सटेंस का वो मास जो क्या तो रिएक्ट करे या फिर उसको डिस्प्लेस कर दे, प्रोडक्ट की फॉर्म में भेज दे, which react or displace with displace 1 gram of hydrogen 1.00 approximately 1 मान लें calculation के लिए और 8 gram of oxygen और 35.5 gram of chlorine, chloride नहीं chlorine and 108 gram of silver, right. So what I mean to say कि gram equivalent mass of any substance is defined as, यही definition है, ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ एनी सब्सटेंस इज डिफाइंड एज मास ऑफ दैट सब्सटेंस व्हिच मास इन ग्राम ऑफ दैट सब्सटेंस व्हिच रिएक्ट विद और डिस्प्लेसेस 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन हो रही है तो, या हाइड्रोजन डिस्प्लेस करके प्रोडक्ट में बन रहा है तो 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन जितना भी ग्राम उस सब्सटेंस का बनाए वो उसका इक्विवेलेंट मास, 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे या 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन डिस्प्लेस कर दे O2, 5.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन के साथ रिएक्ट करे या 35.5 ग्राम ऑफ Cl2 बना दे, 108 ग्राम ऑफ सिल्वर के साथ रिएक्ट करे या 108 ग्राम ऑफ सिल्वर किसी रिएक्शन में जितने अमाउंट के साथ रिएक्शन करके उस सब्सटेंस का बन जाएगा, अगर बन रहा हो तो सिल्वर, तो हम उसको इक्विवेलेंट मास ऑफ सब्सटेंस बोलेंगे. ठीक है, इसी को दूसरी लैंग्वेज में बोल देते हैं, 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन को हम बोलेंगे 8 पार्ट्स बाय मास ऑफ ऑक्सीजन, 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन को बोलेंगे 35.5 पार्ट्स बाय मास ऑफ क्लोरीन, 108 ग्राम ऑफ सिल्वर को हम लोग बोलेंगे लैंग्वेज में 108 पार्ट्स बाय मास ऑफ सिल्वर, 1.008 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन को बोलेंगे 1.008 पार्ट्स बाय मास ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है, तो
इक्विवेलेंट मास ऑफ एनी सब्सटेंस इज डिफाइंड एज, दोबारा से मैं इसको समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा, इसी को अलग अलग लैंग्वेज में पुट कर रहा हूं। इक्विवेलेंट मास ऑफ एनी सब्सटेंस इज डिफाइंड एज पार्ट्स बाय मास ऑफ सब्सटेंस विच रिएक्ट और डिस्प्लेस 1.008 parts by mass of hydrogen or react or displace with 8 parts by mass of oxygen or react or displace 35.5 parts by mass of chlorine or reacts or displace 108 parts by mass of silver. तो इसी को इस लैंग्वेज में बोल देते हैं, पर एक्चुअल मीनिंग वही है जो अभी अभी मैंने, तो ये इक्विवेलेंट मास की डेफिनेशन हो गई. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास. इसी डेफिनेशन को हम लोग इस्तेमाल करते हैं और इक्विवेलेंट मास को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं. किसी केमिकल रिएक्शन में, जैसे मैं सबसे पहले ले लूं Mg plus O2 giving MgO, बैलेंस कर लेते हैं 2Mg plus O2 giving 2MgO. 2mg इसका मोलर मास कितना है 24 ग्राम और इसका मोलर मास है 32 ग्राम. मोल कॉन्सेप्ट से हम सब जानते हैं. इसका बताओ 2 मल्टीप्लाइड बाय 24 ग्राम रिएक्ट करता है विद 32 ग्राम. मैग्नीशियम का 48 ग्राम 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट मास? 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करें या फिर 8 ग्राम ऑक्सीजन डिस्प्लेस कर दे, अगर प्रोडक्ट साइड ऑक्सीजन डिस्प्लेस होके जा रही बन रही होती तो. तो देखो 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ इस सब्सटेंस, इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है मैग्नीशियम का. तो 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कितना ग्राम रिएक्ट करेगा मैग्नीशियम का इस सब्सटेंस का? 48 ग्राम. 1 ग्राम के साथ कितना रिएक्ट करेगा? 48 बाई 32 ग्राम. और हमें 8 ग्राम के साथ रिएक्ट करवाना है एज पर डेफिनेशन. तो 48 बाय 32 मल्टीप्लाइड बाय 8 4 ये हो गया 12. दैट इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ मैग्नीशियम इन दिस रिएक्शन. इस रिएक्शन में मैग्नीशियम का इक्विवेलेंट मास 12 हो गया. अब इसी को क्या हमने डेफिनेशन यूज की? वेट ऑफ सब्सटेंस, यहां पे मैग्नीशियम है जिसका भी इक्विवेलेंट वेट निकाल रहे हैं, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस क्या होगा? वो वेट ऑफ सब्सटेंस जो 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे या 8 ग्राम ऑक्सीजन को डिस्प्लेस करे. तो यहां पे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है तो ऑक्सीजन वाली डेफिनेशन यूज करेंगे. तो यहां पे 1 मोल मतलब 2 मोल तो 32 ग्राम तो 48 ग्राम तो 1 ग्राम टू इतना ग्राम तो 8 ग्राम टू तो 12 ग्राम मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करेगा. तो इस सब्सटेंस का कितना ग्राम 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है? वो है 12 ग्राम. तो किसी भी सब्सटेंस का जितना भी ग्राम 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे या 8 ग्राम ऑक्सीजन को डिस्प्लेस करे, हाइड्रोजन क्या 1.008 ग्राम के साथ रिएक्ट करे या 1.008 ग्राम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करे, या फिर क्लोरीन का 35.5 ग्राम के साथ रिएक्ट करे और 35.5 ग्राम बनाए, तो इस तरह हम बोलेंगे उसी मास को हम लोग इक्विवेलेंट मास बोलेंगे. तो इस रिएक्शन में इक्विवेलेंट मास ऑफ मैग्नीशियम कितना हो गया? दैट इज 12. क्या मैं इसको 24 बाय 2 लिख सकता हूं? 24 बाय 2. 2 क्या है यहां पर? ये मैग्नीशियम एलिमेंट कंबाइंड फॉर्म में जिस भी ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, इसकी जो वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 2 है, तो वही 2 है इधर, ये है ना, यही 2 है इधर. तो इक्विवेलेंट मास को हम कैसे बोल रहे हैं? इसका मोलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर और वैलेंसी फैक्टर. तो एलिमेंट का, ये एलिमेंट है मैग्नीशियम, इस फॉर्म में चला गया तो उसका एन फैक्टर क्या है इधर? एन फैक्टर है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट. उसका क्या है? वैलेंसी फैक्टर. और एन फैक्टर इज इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट. ठीक है, दिस इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन नंबर मॉडुलस एलिमेंट की अगर हम बात करें तो. राइट, तो 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ जितना भी ग्राम किसी सब्सटेंस का रिएक्ट करेगा वही उसका ग्राम इक्विवेलेंट मास हो जाएगा. तो 12 ग्राम हो गया और उसको हम लिख सकते हैं m डिवाइड बाय n फैक्टर. और n फैक्टर यहां पे क्या है? उसका ऑक्सीडेशन स्टेट.
एक रिएक्शन ले लेते हैं हम, जेड एन प्लस एस टू एस ओ फोर रिएक्ट करेगा तो जेड एन एस ओ फोर प्लस हाइड्रोजन, इसका मोलर मास आप जानते हो 65.4 ग्राम, ठीक है, इसका मोलर मास आप जानते हो 2 ग्राम पर मोल, बैलेंस कर देते हैं बच्चों, ठीक है। जिंक का इक्विवेलेंट वेट निकालना है हमें, तो कितना ग्राम जिंक, 2 ग्राम हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन क्या हो रही है, यहां से डिस्प्लेस हो जा रही है, प्रोड्यूस हो रही है, तो इक्विवेलेंट वेट की डेफिनेशन क्या थी, किसी भी सब्सटेंस का वो वेट इन ग्राम जो 1.008 या फिर 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करे या फिर 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दे, यहां पे हाइड्रोजन डिस्प्लेस हुई है। तो देखते हैं मोल कॉन्सेप्ट के अनुसार, इसका 1 मोल तो इसका 1 मोल, 1 मोल मतलब 2 ग्राम और इसका 1 मोल मतलब 65.4 ग्राम, ठीक है। इसके 2 ग्राम डिस्प्लेस होते हैं इतना ग्राम जिंक के साथ, तो इसका 1 ग्राम कितने ग्राम जिंक के साथ डिस्प्लेस होगा, इतने ग्राम जिंक के साथ, और 1 ग्राम और 1.008 ग्राम हाइड्रोजन को जो डिस्प्लेस करता है उसी को क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट मास एज पर डेफिनेशन। तो इस रिएक्शन में जिंक एलिमेंट का इक्विवेलेंट मास कितना हो गया 65.4। तो व्हाट इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ जिंक इन दिस रिएक्शन, That is 65.4 divided by 2, और ये 2 क्या है इधर, 2 उसका ऑक्सीडेशन नंबर ही है, तो ये क्या हो गया आपका, इसका एटॉमिक मास एलिमेंट का डिवाइड बाय n फैक्टर, और n फैक्टर और वैलेंसी फैक्टर हो गया आपका ऑक्सीडेशन नंबर। अब मैं मॉडुलस क्यों ले रहा हूं, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर तो पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है, ये एन फैक्टर वैलेंसी फैक्टर जीरो और नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए मैं मॉडुलस ले रहा हूं ताकि नेगेटिव है तो भी पॉजिटिव हो जाए, यस और नो, तो ये इसका वैलेंसी फैक्टर हो गया, राइट। तो यहां पे हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में हमने डिफाइन किया। एक और एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं क्लोरीन के रिस्पेक्ट में, एल्यूमिनियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है ड्राई स्टेट में, है ना, तो AlCl3 बनता है, AlCl3 यहां पे 3 कर लेता हूं तो 6 हो गया, तो 2 कर लेता हूं, 2 एल्यूमिनियम बैलेंस हो गया, 2 एल्यूमिनियम 6 क्लोरीन AlCl3, मुझे इसका इक्विवेलेंट मास निकालना है। तो यार क्लोरीन के साथ रिएक्शन हो रही है तो क्या था इक्विवेलेंट मास की डेफिनेशन, किसी भी सब्सटेंस का कितना ग्राम 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन के साथ रिएक्ट करे या फिर क्लोरीन डिस्प्लेस होके प्रोडक्ट में प्रोड्यूस हो रही हो तो 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन डिस्प्लेस करे, उसी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को इक्विवेलेंट मास ऑफ सब्सटेंस बोलेंगे। तो यहां एल्यूमिनियम रिएक्ट कर रहा है क्लोरीन के साथ, तो एल्यूमिनियम का कितना ग्राम 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा वही इक्विवेलेंट मास ऑफ एल्यूमिनियम हो जाएगा। इसका मोलर मास कितना है बच्चों, 71 है, और इसका मोलर मास कितना है 27, आप लोगों को याद है, ठीक है, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 71 ग्राम हो गया और ये 2 मल्टीप्लाइड बाय 27 ग्राम हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपका 213 ग्राम और ये हो गया 81 ग्राम, तो 213 ग्राम ऑफ क्लोरीन रिएक्ट्स विद 81 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम, तो 1 ग्राम ऑफ क्लोरीन रिएक्ट्स विद 81 डिवाइड बाय 213 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम, पर हमें कितना क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाना है 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन रिएक्ट्स विद 81213 मल्टीप्लाइड बाय 35.5, ठीक है, 35.5। तो देखो
अरे 27 दूनी 54 है ये तो, 54 सॉरी 54 54 54 54। देखो इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 35.5 ये हो गए 71, तो ये 6 आ जाएगा, 9 तो 9 आ गया कुल मिलाकर। 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन के साथ एल्यूमिनियम का 9 ग्राम रिएक्ट कर रहा है, तो इक्विवेलेंट मास ऑफ एल्यूमिनियम एलिमेंट इस रिएक्शन में 9 हो गया। तो एल्यूमिनियम के इक्विवेलेंट मास को कैसे बोलूंगा मैं, 9, और 9 को कैसे लिख सकते हैं हम, 27/3। यहां पे व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर 3, तो ये क्या हो गया, मोलर मास हो गया 5 और एंड फैक्टर वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया आपका 3 हो गया, हेंस एंड फैक्टर और वैलेंस फैक्टर ऑफ एलिमेंट क्या हो गया, इट्स ऑक्सीडेशन नंबर। सो गाइस एंड गर्ल्स, इक्विवेलेंट मास की डेफिनेशन क्या है सबको क्लियर हो गई होगी विद ऑल दीज एग्जांपल्स। किसी भी सब्सटेंस का इक्विवेलेंट मास और ग्राम इक्विवेलेंट मास और ग्राम इक्विवेलेंट वेट, वो वेट और मास इन ग्राम है जो 1 ग्राम या 1.008 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन साथ रिएक्ट करे या डिस्प्लेस करे उतना ग्राम हाइड्रोजन, सेम या 35.5 ग्राम किसी का भी वो वेट इन ग्राम जो 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन साथ रिएक्ट करे या फिर 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन को डिस्प्लेस करे, राइट। एंड थर्ड इज 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे या फिर 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन डिस्प्लेस करे, तो उसको हम बोलेंगे, हम हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में इक्विवेलेंट मास निकाल चुके हैं या क्लोरीन के रिस्पेक्ट में निकाला, ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में निकाल चुके हैं, तो वी हैव सीन डिफरेंट। तो इक्विवेलेंट मास की डेफिनेशन को हम लोग अच्छे से समझ चुके हैं और इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट का एक बेसिक रिलेशन भी आ गया, इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट क्या हो जाएगा, इट्स ग्राम एटोमिक मास, ठीक है, डिवाइड बाय ऑक्सीडेशन नंबर का मॉडुलस। ऑक्सीडेशन नंबर अगर ये आयोनिक है, वैलेंसी फैक्टर और एन फैक्टर क्या है आपका, ऑक्सीडेशन नंबर का मॉडुलस ले सकते हो या फिर वैलेंसी का भी मॉडुलस ले सकते हो बिंदास, फॉर एलिमेंट है ना, एलिमेंट का अगर आप देखो तो ये इक्विवेलेंट मास क्या होगा, मोलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर है ना, डिवाइड बाय एन फैक्टर और वैलेंसी फैक्टर, और एन फैक्टर यहां पर एलिमेंट के लिए कितना है, ऑक्सीडेशन नंबर और वैलेंसी, ये जल्दी चीज होगी। एन फैक्टर अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से निकाला जाएगा, यहां पे एलिमेंट का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो है उसका एन फैक्टर। तो बच्चों व्हाट आई मीन टू से कि एलिमेंट का जो एन फैक्टर होता है वो इक्विवेलेंट। अब इक्विवेलेंट मास तो आप लोग निकाल चुके, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, बस एलिमेंट का निकालना है। क्वेश्चन पूछता हूं मैं, फाइंड इक्विवेलेंट मास ऑफ अंडरलाइन एटम इन कंपाउंड, कंपाउंड गिवन ग्लो, फर्स्ट FeO, इसी में लिख देता हूं Fe2O3 एंड Fe3O4, तीनों में आयरन का इक्विवेलेंट वेट निकालना है। सेकेंड इज PbO, PbO2, Pb3O4, लेड का इक्विवेलेंट वेट निकालना है आपको। थर्ड एग्जांपल में कॉपर का इक्विवेलेंट वेट निकालना है आपको। टीन का इक्विवेलेंट वेट निकालना है आपको।
फिफ्थ एफ ई 0.93 ओ में एफ ई का निकालना है। सिक्स्थ एग्जांपल एस एन 4.4 ओ 16 में एस एन 4.4 ओ 16 में इनका निकालना है, एस एन का निकालना है। तो इन सब का आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना है। NaCl में Na का बताओ, MgCl2 में Mg का बताओ, AlCl3 में एल्यूमिनियम का बताओ, लाइक दिस। ठीक है, तो व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ अंडरलाइन एलिमेंट्स। तो आपको क्या फॉर एलिमेंट, फॉर एलिमेंट हमने क्या देखा, फॉर एलिमेंट व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर का मॉडुलर सी एन फैक्टर होता है। तो व्हाट इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट, उसका मोलर मास डिवाइड बाय ऑक्सीडेशन नंबर या फिर वैलेंसी, और ये क्या हो जाएगा, एलिमेंट है तो एटॉमिक मास हो जाएगा। ये ग्राम एटॉमिक मास, मोलर मास मतलब ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा, इधर एटम है तो, एलिमेंट का एटम है तो, है ना। तो ऑक्सीडेशन नंबर यहां पे प्लस टू है, ऑक्सीडेशन नंबर सब लोग जानते हैं, यहां पे प्लस थ्री, और यहां पर मिक्स ऑक्साइड होता है, ये सब लोग जानते हैं। कौन सा होता है, FeO and Fe2O3, दो आयरन प्लस थ्री में है, एक आयरन प्लस टू में, एवरेज 8/3 आता है। यहां पे ऑक्सीडेशन नंबर अंडरलाइन एलिमेंट का हम लोग निकाल लेते हैं, प्लस टू प्लस फोर एन प्लस 8/3, ये भी मिक्स ऑक्साइड है, एक लेड प्लस फोर में है और दो लेड एटम मिक्स ऑक्साइड में है, दो ऑक्साइड का मिक्स है ये भी। ये क्यूप्रस क्लोराइड है, सीएल माइनस वन होगा, ये क्यूप्रिक क्लोराइड है, ये स्टेनस क्लोराइड है और ये स्टेनिक क्लोराइड है। यहां पे क्या ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा, Fe 0.93O, देखो FeO देखो पहले, जहां 1 है उसकी जगह 0.93 आ गया। इस तरह के जो कंपाउंड होते हैं उनको हम नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड। इस तरह जो फ्रैक्शनल वैल्यू आ जाती है यहां पर सबस्क्रिप्ट में, उनको नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड बोल देते हैं। तो ये दोनों कंपाउंड नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स हैं। तो इसमें ऑक्सीडेशन नंबर x मान ली थी, इसमें भी मान लो, इसमें कैसे कैलकुलेट की थी, 1 मल्टीप्लाइड बाय x, एक ऑक्सीजन माइनस 2 इज इक्वल टू चार्ज, x इज इक्वल टू प्लस 2। इसी तरह 0.93 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 2 इज इक्वल टू चार्ज, तो x की वैल्यू आ गई 200/93 या 2 डिवाइड बाय 0.93, व्हाटएवर यू से इट। तो यहां पर कितना आ गया, 200/93 हो गया, और यहां पर कितना आ जाएगा, Sn 4.4O16, तो x मान लीजिए 4.4x माइनस 32 इज इक्वल टू जीरो, तो x आ गया 32 डिवाइड बाई 4.4, 4 8 32, 4 11 44, तो ये आ गया आपका 80/11। ठीक है, 80/11 आ गया। तो यहां पर क्या है, 80/11 है ऑक्सीडेशन नंबर। यहां पे Na का प्लस 1 है, यहां पे Mg का प्लस 2 है, यहां पे एल्यूमिनियम का प्लस 3 है। ठीक है, तो सबका आ गया बड़े प्यार से। तो व्हाट इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ आयरन एलिमेंट, यहां तीनों जगह आयरन का निकालना है। एलिमेंट का क्या, इसका एटॉमिक मास 56 होता है आयरन का, डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, यहां पे 56 हो गया मोलर मास, तो डिवाइड बाई 3 हो गया, यहां पे 56 डिवाइड बाई 8/3 हो गया। एम की वैल्यू क्या है, तीनों जगह 56 है, मोलर मास ऑफ आयरन कितना होता है, 56 ग्राम पर मोल, तीनों जगह एम क्या है, एटॉमिक मास ऑफ आयरन, दैट इज 56। आयरन का पूछा है तो आयरन बोलेंगे। यहां पे हम लेड
लेड का आयरन का मोलर मास हो जाएगा आपका 56, तो यह तीनों जगह 56 है। मोलर मास ऑफ लेड 207, आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो एम करके लिख दो आप, दैट इज नॉट ए बिग प्रॉब्लम फॉर अस। तो व्हाट इज इक्विवेलेंट मास ऑफ लेड हियर, दैट इज 207 बाय 2। व्हाट इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ लेड एलिमेंट हियर, 207 एम की वैल्यू है डिवाइड बाय 4। एंड व्हाट इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ लेड हियर, दैट इज 207 बाय 3, तो इसको बोलूंगा मैं 8 m बाय 3। यस और नो, ये हो गया इक्विवेलेंट मास सिंपल। व्हाट इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर हियर एंड व्हाट इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर एलिमेंट, इक्विवेलेंट मास ऑफ कॉपर क्या हो जाएगा, कॉपर का कितना होता है 63.5 होता है मोलर मास कॉपर का, ना कॉपर का ऑफ कॉपर इज 63.5 ग्राम पर मोल, तो ये कितना हो जाएगा m डिवाइड बाय 1 और इधर m डिवाइड बाय 2, और m कितना है 63.5 है। इधर क्या हो जाएगा एटॉमिक मास ऑफ टिन डिवाइड बाय 2, एटॉमिक मास ऑफ टिन डिवाइडेड बाय 4, इक्विवेलेंट मास ऑफ टिन, इक्विवेलेंट मास ऑफ टिन आ गया। मैं इसको रब कर देता हूं बिकॉज स्पेस इज नॉट अवेलेबल। यहां पे आयरन का निकालना है तो क्या करेंगे, आयरन का एटॉमिक मास मतलब 56 m की वैल्यू डिवाइड बाय 200 बाय 93, तो इसको हम बोलेंगे 93 m बाय 200, ठीक है। इधर 80 बाय 11 आया था, तो व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ टिन हियर, दैट इज टिन का एटॉमिक मास होता है 118.7, यानी कि 119 बोल सकते हो, है ना। एटॉमिक मास ऑफ टिन इज 118.7, यानी कि 119 ले सकते हो आप, तो ये आ जाएगा टिन का एटॉमिक मास 119 डिवाइड बाय 80 बाय 11, तो ये हो गया 11 m बाय 80, है ना। बताओ इक्विवेलेंट मास ऑफ सोडियम एलिमेंट, इक्विवेलेंट मास ऑफ मैग्नीशियम एलिमेंट, इक्विवेलेंट मास ऑफ एल्यूमिनियम, ये कितना हो जाएगा m बाय 3, m की वैल्यू एल्यूमिनियम की 27 है, m बाय 2, m क्या है मैग्नीशियम का एटॉमिक मास 24 है, और यहां पे m की वैल्यू है 23 सोडियम का एटॉमिक मास डिवाइड बाय 1, 1 2 3, तो 1 2 3 इसका n फैक्टर हो गया। तो किसी भी एलिमेंट का n फैक्टर हम कैसे निकालेंगे, बस उसका वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लीजिए, तो n फैक्टर और वैलेंसी फैक्टर ऑफ एलिमेंट इन ए कंपाउंड आ जाएगा, दैट इज द वैलेंसी फैक्टर ऑफ एलिमेंट इन ए कंपाउंड आ जाएगा। तो दोस्तों किसी भी एलिमेंट का किस कंपाउंड में इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे, बस उसका ऑक्सीडेशन नंबर, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकालो और आपका काम हो जाएगा बिंदास, एज सिंपल एज दैट। जैसे मैं MgCl2 में मैं Cl का पूछूं, तो यहां पे मुझे पता है Mg प्लस 2 है और Cl माइनस 1 है, तो इक्विवेलेंट मास ऑफ मैग्नीशियम आयन कितना हो गया इधर m by 2। इक्विवेलेंट मास ऑफ क्लोरीन में अगर पूछूं तो क्लोरीन कितना हो जाएगा m by 1, यहां क्या है क्लोरीन का एटॉमिक 30.5 और ये मैग्नीशियम का एटॉमिक मास 24, तो ये 24 by 2 m की वैल्यू क्रॉस बॉन्डिंग, क्लोरीन का एटॉमिक मास मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम का एटॉमिक मास आ जाएगा, बहुत ही सिंपल राइट। तो इस तरह आप n फैक्टर निकाल सकते हो of element, valency factor of element you can calculate very easily। एक चीज हमें समझ में आ गई कि equivalent mass क्या होता है, molar mass divided by n factor, और element का n factor हमने निकाला उसके oxidation number से,
एसिड बेस रिएक्शन में एसिड का इन्फेक्टर और तरीके से निकालेंगे, बेस का इन्फेक्टर और तरीके से निकालते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन में इन्फेक्टर की अलग डेफिनेशन हम लोग देखते हैं। तो सब जगह इन्फेक्टर हम अलग अलग तरीके से डिफाइन करेंगे। अब हमने इक्विलेट मास की डेफिनेशन देख ली, अब हम बात करते हैं इक्विलेट मास यानी कि मोलर मास मतलब वन मोल ऑफ सब्सटेंस का मास और इक्विलेंट मास मतलब वन इक्विलेंट ऑफ सब्सटेंस का मास। अब ये इक्विलेंट्स कैसे निकालते हैं? डिटरमिनेशन ऑफ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स और इक्विवेलेंट्स, अब सबसे पहले इन मोल कॉन्सेप्ट, मोल्स आर डिटरमाइंड बाय फॉलोइंग फॉर्मूलास। बताओ क्या था मोल निकालने का? वेट दे रखा है तो कैसे निकालते थे? टोटल वेट इन ग्राम डिवाइड बाय एक मोल का मास मोलर मास, एटम है तो ग्राम एटॉमिक मास, मोलर मास का मतलब एक मोल ऑफ एटम का मास, मॉलिक्यूल है तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास यानी कि एक मोल ऑफ मॉलिक्यूल का मास, कोई भी है एक मोल का मास, इसकी यूनिट ग्राम पर मोल होती है। सेकेंड रिलेशन हमने क्या देखा था? सेकेंड रिलेशन देखा था नंबर ऑफ पार्टिकल हो तो एन बाई एन ए। थर्ड रिलेशन हमने देखा था आइडियल गैस के लिए, मोल ऑफ आइडियल गैस इज वॉल्यूम इन लीटर एट एसटीपी डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम, और इसकी वैल्यू कितनी थी? 22.4 लीटर। फोर्थ, मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकले थे आपके? मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर। इन चार फॉर्मूला से आप मोल कॉन्सेप्ट में मोल निकालते थे। अब बताओ मोल की जगह पर क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में? इक्विवेलेंट हो जाएंगे। मोल की जगह पर क्या आ जाएगा? चारों जगह इक्विवेलेंट आ जाएगा। बस इसको छोड़ दो, इसकी जगह नया फॉर्मूला लिखेंगे। मोलर मास की जगह पर क्या आ जाएगा? इक्विवेलेंट मास। मोलरिटी की जगह पर क्या आ जाएगा? नॉर्मलिटी। स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम की जगह पर क्या आ जाएगा? स्टैंडर्ड इक्विवेलेंट वॉल्यूम। तो इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, इक्विवेलेंट निकालने के जो न्यूमेरिकल में चार फॉर्मूलास रहेंगे वो बिल्कुल इन्हीं से सिमिलर रहेंगे एक्सेप्ट दिस। बाकी फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ ये किसके लिए है? फॉर आइडियल गैस और गैसियस मिक्सचर, और ये क्या है? फॉर सॉल्यूशन, फॉर सॉल्यूशन। इसी के कॉरस्पॉन्डिंग आप इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में इक्विवेलेंट्स निकाल सकते हो। तो पहला तरीका है इक्विवेलेंट निकालने का, सबसे पहले मैं यूज कर लेता हूं, दैट इज इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर। इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर हम पहले भी देख चुके हैं। सबसे ज्यादा काम तो यही आएगा। अब देखो मोल निकालने के चार तरीके हैं हमारे पास, तो कुछ भी दे रखा हो पहले आप मोल निकाल लो। अगर आप कम लाइफ में कम ज्यादा कंफर्ट चाहते हो, कम कॉम्प्लिकेशन चाहते हो कैलकुलेशन में, तो एक काम कर लो, सबसे पहले मोल निकाल लेना। एन निकालने के तो चार बेसिक फॉर्मूला आपको पता ही है, वो एन यहां पे पुट कर देना, बस एन फैक्टर निकालना सीख जाओ तो इक्विवेलेंट भाग भाग के निकल जाएंगे। सेकेंड, वेट दे रखा हो तो, है ना, इफ वेट ऑफ सब्सटेंस दे रखा हो या फिर पूछा हो तो मोल की जगह पर क्या आ जाएगा इस फॉर्मूला में? इक्विवेलेंट आ जाएगा। मोलर मास की जगह इक्विवेलेंट मास आ जाएगा। बस हो गया काम। वेट अगेन ग्राम में ही होना चाहिए, ये ग्राम इक्विवेलेंट मास हो गया। क्या हो गया? अभी अभी हमने डिफाइन किया है ग्राम इक्विवेलेंट मास, डिफाइन किया था ना अभी अभी। फॉर्मूला क्या था? E का m by n फैक्टर, और डेफिनेशन क्या थी?
ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सब्सटेंस इज वेट इन ग्राम ऑफ दैट सब्सटेंस व्हिच रिएक्ट और डिस्प्लेसेस विद 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन, 108 ग्राम ऑफ सिल्वर एंड 1.008 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन. बस वो इक्विवेलेंट, बस फॉर्मूला ये था एम बाई एन फैक्टर, है ना. ये कब होगा, इफ मैं थोड़ा ऐसे लिख देता हूं, इफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस आर गिवन और आस्क्ड, तो इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, मोल्स मल्टीप्लाइड बाई एन फैक्टर. यहां पे भी वेट ग्राम में होना चाहिए, यहां पर भी वेट ग्राम में होना चाहिए. मोल की जगह पर क्या आ गया, इक्विवेलेंट मोल या ग्राम मोल की जगह पर इक्विवेलेंट या ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस. ये मोलर मास था, ये क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट मास, कॉरस्पॉन्डिंग क्वांटिटी. थर्ड, फोर, आइडियल गैस ओनली, क्या आ जाएगा मोल की जगह पर इक्विवेलेंट, और स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम की जगह क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड इक्विवेलेंट वॉल्यूम. तो इक्विवेलेंट ऑफ आइडियल गैस क्या हो जाएगा, अगर किसी गैस का एसटीपी के ऊपर वॉल्यूम दे रखा है तो वॉल्यूम इन लीटर एट एसटीपी और एनटीपी डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड इक्विवेलेंट वॉल्यूम. और बताओ स्टैंडर्ड इक्विवेलेंट वॉल्यूम किसके बराबर है, स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम डिवाइड बाय एन फैक्टर के ही बराबर है ये तो. एंड फोर्थ, फोर्थ रिलेशन बिल्कुल सॉल्यूशन के लिए है, फोर्थ इज फॉर सॉल्यूशन. फोर्थ इज फॉर सॉल्यूशन ओनली, फोर्थ इज फॉर सॉल्यूशन ओनली. फोर्थ मैं इधर डिस्कस कर लेता हूं. देखो मोलरिटी मल्टीप्लाइड वॉल्यूम इन लीटर की बजाय क्या आ जाएगा, नॉर्मलिटी. अच्छा मोलरिटी को हमने कैसे डिफाइन किया था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसोल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यही था ना. तो मोलरिटी क्या हो गई थी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर ऑफ सॉल्यूशन. इसी तरह नॉर्मलिटी क्या हो जाएगी, बिल्कुल पैरेलल है उसके, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट की टर्म है, बस मोल्स की जगह पर क्या आ जाएगा, मोल्स या फिर ग्राम मोल्स. इधर क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स या फिर इक्विवेलेंट्स बोलो ऑफ सॉल्यूट डिसोल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन. तो नॉर्मलिटी क्या हो गई, इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट की बजाय इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर. तो मोल की बजाय इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट आ गया, मोलरिटी की जगह नॉर्मलिटी आ गया, बिल्कुल सेम तो है मोलरिटी और नॉर्मलिटी में कोई जा... इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इक्विवेलेंट पर लीटर, इसकी यूनिट क्या थी, मोल पर लीटर. मोल पर लीटर को मोलर या फिर मोल पर लीटर भी बोलते थे, इक्विवेलेंट पर लीटर को हम नॉर्मल भी बोलते हैं, है ना. नॉर्मल, नॉर्मलिटी से नॉर्मल, मोलरिटी से मोलर, वो भी यूनिट उसकी लिखी जाती है. तो ये हो गया. अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अगर मुझे निकालने हो कभी सॉल्यूशन के लिए, तो मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर. इसी तरह इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट को मैं कैसे लिख सकता हूं, मोलरिटी की बजाय क्या आ जाएगी इधर, नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन वॉल्यूम इन लीटर. बस ये सॉल्यूशन के लिए है, दिस इज योर फोर्थ फॉर सॉल्यूशन ओनली, नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर ऑफ सॉल्यूशन. ठीक है, तो मोल निकालने के जिस तरह चार फॉर्मूलास थे मेरे दोस्तों, पूरी केमिस्ट्री में दो साल जब भी आपको इक्विवेलेंट निकालने हो, ये चार फॉर्मूलास याद कर लेना, प्रोफेसर का नाम लेकर आपकी लाइफ सक्सेसफुल हो जाएगी, आपकी लाइफ सक्सेसफुल हो जाएगी. क्या सबसे इंपॉर्टेंट, कुछ भी नहीं तो ये तो यूज कर ही सकते हो,
इक्विवेलेंस इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर, पहला फॉर्मूला सबसे कॉमनली यूज्ड। दूसरा ये भी खूब यूज होगा आपका, और नॉर्मलिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम इन लीटर भी बहुत बिंदास यूज होगा, आइडियल गैस का कम यूज होगा, लेस यूजफुल, ठीक है। बाकी चार फॉर्मूला कौन कौन से हैं, मोल्स पता हो दे रखे हो तो इक्विवेलेंस को कैसे लिखेंगे, मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर। वेट पता हो तो डब्ल्यू बाई ई से लिखेंगे, वहां डब्ल्यू बाई एम से मोल लिखते थे तो डब्ल्यू बाई ई से इक्विवेलेंट लिखेंगे। आइडियल गैस के लिए जहां वहां पर स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम आता था, यहां पर क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड इक्विवेलेंट वॉल्यूम आ जाएगा। सॉल्यूशन के लिए वहां क्या था, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यहां पे क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर। तो ये बहुत कॉमनली यूज होने वाला है, नॉर्मलिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर इज इक्वल टू इक्विवेलेंट्स और ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स मल्टीप्लाइड बाय फैक्टर इज इक्वल टू इक्विवेलेंट एंड डब्ल्यू बाई ई इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस। ये तीन बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होंगे, वेट दे रखा हो तो डब्ल्यू बाई ई यूज करें इक्विवेलेंट्स के लिए, मोल्स पता हो पूछा हो तो मोल्स मल्टीप्लाई एंड फैक्टर इक्विवेलेंट्स के लिए यूज करें, और वॉल्यूम सॉल्यूशन की बात की हो, नॉर्मलिटी मोलर कुछ भी दे रखी हो तो हम बोलेंगे नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम इन लीटर। ये हो गया। अब मैं नंबर ऑफ मोल्स नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स की बजाय अगर मैं मिली इक्विवेलेंट्स की बात करूं तो क्या कर लोगे आप, इधर क्या हो जाएगा, मोल्स की बजाय मिली मोल्स हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, मिली इक्विवेलेंट हो जाएगा। अभी तक क्या था, ये इक्विवेलेंट था, तो थाउजेंड से अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो मिली इक्विवेलेंट आ जाएगा, इसको भी मैं क्या करूंगा थाउजेंड से मल्टीप्लाई तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ आइडियल गैस आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, मिली इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू नॉर्मलिटी वॉल्यूम इन मिलीलीटर। ध्यान होगा आपको मोलरिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर से मोल्स ऑफ सॉल्यूट आते हैं, मोलरिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम इन मिलीलीटर से मिलीमोल्स ऑफ सॉल्यूट आते हैं। पैरेलली क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहां पर इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट कैसे आते हैं, नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर, और नॉर्मलिटी को वॉल्यूम इन मिलीलीटर से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, नॉर्मलिटी मल्टीप्लाइड वॉल्यूम इन मिलीलीटर कर दें तो इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट की बजाय क्या आ जाएंगे, मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट आ जाएंगे। वॉल्यूम लीटर में है तो इक्विवेलेंट्स, वॉल्यूम मिलीलीटर में है तो मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम लीटर में है तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम मिलीलीटर में है तो मिली मोल्स, यहां मोलरिटी है और यहां नॉर्मलिटी है सिमिलरली। तो ये मैंने थाउजेंड वाला फैक्टर है, ये भूल जाते हैं बच्चे, इसलिए मैंने जानबूझ के लिखा, हालांकि थिंग्स आर वेरी सिंपल। तो इक्विवेलेंट निकालने के कितने फॉर्मूलाज हो गए बच्चों हमारे पास, चार, मोल मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर से इक्विवेलेंट आएंगे, मास की बात कर रखी हो तो w by e, वेट बटे में इक्विवेलेंट वेट, टोटल वेट डिवाइड बाय एक इक्विवेलेंट सब्सटेंस का वेट, तो कितने इक्विवेलेंट वो आ जाएंगे, यस और नो। पर सब जगह आपको एन फैक्टर की जरूरत पड़ेगी, क्या थी, इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर। सेकंड इंपॉर्टेंट क्या है, इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इज नॉर्मलिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर। थर्ड वाला फॉर्मूला क्या है आपका, इक्विवेलेंट इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई ई, एंड फोर्थ वाला छोड़ भी दो आप एक बार, आइडियल गैस के लिए, ये सॉल्यूशन के लिए है। टाइट्रेशन में यही सब ज्यादा काम आएगा, देखो बिना एन फैक्टर के कहीं पे भी गुजारा नहीं चलने वाला, यहां साफ साफ पता है, मोल निकालने के चार तरीके हैं, चारों से यहां पुट करो इक्विवेलेंट अपने आप आ जाएगा भाग भाग के, इसी एक ही फॉर्मूला से आप काम चला सकते हो ऑलमोस्ट सभी जगह। उन जो चार फॉर्मूले थे उनसे मोल निकालो, क्योंकि मोल से तभी आप कंफर्टेबल हो, मोल कॉन्सेप्ट पढ़ चुके, तो यहां पर पुट कर दो इक्विवेलेंट अपने आप आ जाएगा, वहां से घूम के जाओ। इक्विवेलेंट नॉर्मलिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम इन लीटर। अब नॉर्मलिटी क्या होती है, मोलरिटी मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर, तो नॉर्मलिटी तब निकलेगी जब एन फैक्टर पता हो, तो इक्विवेलेंट इस रास्ते से भी, इस फॉर्मूला से भी इक्विवेलेंट तब निकलेंगे जब एन फैक्टर पता हो, इससे भी कब निकलेगा जब एन फैक्टर पता हो आपको, तो एन फैक्टर पता होना चाहिए आपको तभी इक्विवेलेंट निकाल सकते हो डब्ल्यू बाई ई। और बताओ ई क्या है, मोलर मास डिवाइड बाई
एन फैक्टर. व्हाट आई मीन टू से कि सब जगह आपको एन फैक्टर चाहिए, सब जगह आपको एन फैक्टर चाहिए. तो कुल मिलाकर एन फैक्टर की जरूरत आपको इक्विवेलेंट्स निकालने के चारों फॉर्मूलास में भी जरूरत पड़ेगी बिना एन फैक्टर के. हाँ, डायरेक्टली ही नॉर्मलिटी दे रखी हो तो बल्ले बल्ले बहुत अच्छी बात है, डायरेक्टली इक्विवेलेंट वेट दे रखा हो तो बल्ले बल्ले बहुत अच्छी बात है, पर अगर मोलर मास दे रखा है तो फिर एन फैक्टर चाहिए तभी इक्विवेलेंट आएंगे आपके. मोलरिटी दे रखी है तो मल्टीप्लाई एन फैक्टर चाहिए तो नॉर्मलिटी आ जाएगी. तो इसको मैं और मोलरिटी मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर ऐसे भी लिख सकते हो आप चाहो तो, है ना. यू कैन राइट दिस वे एज वेल. ये बहुत कॉमनली यूज होगा टाइट्रेशन के क्वेश्चन में, ये बहुत ज्यादा यूज होगा. तो दीज थ्री फॉर्मूलाज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये सभी को याद होने चाहिए. इक्विवेलेंट जब भी केमिस्ट्री में निकालना हो, मोल मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर डब्ल्यू बाई ई, और ई क्या होता है एम बाई एन फैक्टर, एन इक्विवेलेंट इक्वल टू सॉल्यूशन के लिए नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई वॉल्यूम इन लीटर से इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट आ जाएंगे, और नॉर्मलिटी को लिख सकते हैं मोलरिटी मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर. तो सब जगह मोल कॉन्सेप्ट के पैरामीटर हो तो एन फैक्टर की जरूरत. नॉर्मलिटी पे पहुंचेंगे जब एन फैक्टर पता होगा, इक्विवेलेंट वेट पे पहुंचेंगे जब एन फैक्टर पता होगा. यानी कि इक्विवेलेंट निकालने हैं तो एन फैक्टर से तो पाला पड़ता ही पड़ता है ऑलमोस्ट ऑल द टाइम्स. ये सर नो, डायरेक्टली नॉर्मलिटी दे रखी और वॉल्यूम इन लीटर तो बात अलग है, पर ऐसी इंफॉर्मेशन कम होगी. मोलरिटी मोल कॉन्सेप्ट वाले पैरामीटर जनरली ज्यादा दिए हुए होंगे, तो इसलिए एन फैक्टर की बहुत जरूरत पड़ती है बहुत. तो दोस्तों ये मोल कॉन्सेप्ट हमने, व्हाट वी मीन बाय ग्राम इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट निकालने के कौन कौन से तरीके हैं वो हमने देखा, और फिर हम एक चीज और देख लेते हैं लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, फिर एन फैक्टर हम लोग निकालेंगे. एन फैक्टर निकालने का तरीका नेक्स्ट लेक्चर में पूरा एन फैक्टर की बात करेंगे. अब मैं एक बेसिक चीज और है, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस. फोर रिएक्शन ए ए प्लस बी बी प्रोड्यूसिंग सी सी प्लस डी डी, या ज्यादा कर लो जितने भी, मान लो तीन रिएक्टेंट ले लेते हैं. ए बी सी तो आपके रिएक्टेंट हैं, डी ई एफ आपके प्रोडक्ट्स हैं. जो मैंने कोफिशिएंट्स लिखे हैं ना, ये तो मोल कॉन्सेप्ट में काम आते हैं, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है. क्या है ये? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन एज शोन हियर. अगर इनके कोफिशियंट्स नहीं भी हो तो हमारा काम चल जाएगा. कोफिशियंट्स नहीं भी हो तो भी हमारा काम चल जाएगा. इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट और पीओएसी से क्वेश्चन करना चाहे तो, स्टोइकोमेट्रिक के क्वेश्चन, रिएक्टर की क्वांटिटी दे रखी है, प्रोडक्ट की पूछी है, वो क्वांटिटी मोल की टर्म में दो, मिलीमोल की टर्म में दो, वेट की टर्म में दो, है ना, वॉल्यूम की टर्म में दो, इक्विवेलेंट्स की टर्म में दो, ग्राम इक्विवेलेंट्स की टर्म में दो, मिली इक्विवेलेंट्स की टर्म में दो, जो भी दो. तो यहां से बैलेंस केमिकल इक्वेशन है. पर लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या बोलता है सुन लो, बहुत सिंपल है, यू विल फॉल इन लव सुनते ही. भाई मोल कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन करना आपके लिए आसान रहेगा क्योंकि आपको आदत पड़ चुकी है, क्योंकि सबसे पहले मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा है, इसलिए पूरे दो साल तक आप लोग ज्यादा कंफर्टेबल मोल कॉन्सेप्ट में होंगे, इसमें कोई दोराई नहीं है. दिस इज वेल प्रूव्ड, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस बिगनिंग में ज्यादा हो जाती है, उसी से कंफर्ट जोन बच्चों का क्रिएट हो जाता है. That is the only reason. Otherwise, equivalent concept से question कई बार ज़्यादा जल्दी हो जाते हैं. Mole concept से same question करो उसकी बजाय. देखो इन coefficients का यहाँ पर कोई role नहीं रहेगा law of equivalence में. When ये A mole of A react होंगे तो B mole of B react होंगे, C mole of C react होंगे, D mole of D produce होंगे, E mole of E produce होंगे, F mole of F produce होंगे. तो coefficient तो reactant के mole reacted और mole produce बताते हैं. Yes or no? Molar ratio. रिएक्टेंट किस मोलर रेशियो में रिएक्ट होंगे, ए इज टू बी इज टू सी मोलर रेशियो में ए बी सी रिएक्ट होंगे, और प्रोडक्ट किस रेशियो में प्रोड्यूस होंगे, मोलर रेशियो एज रिप्रेजेंटेड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट.
ये तो मोल को बताते हैं, इसलिए मोल कॉन्सेप्ट में बिना कोफिशियंट के हम कुछ भी नहीं करते हैं। सारा गेम कोफिशियंट पे है स्टोइकियोमेट्री के वाले क्वेश्चंस में। अब लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या बोलता है, बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही ब्यूटीफुल। एक खास रिएक्शन के लिए, एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए लगाना है लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला है मैंने। दो तीन चार रिएक्शन हो रही होंगी तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस मत लगा देना। अब लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या बोलता है, ये लॉ क्या बोलता है, लेट अस अंडरस्टैंड। अगर इसके पांच इक्विवेलेंट रिएक्शन में रिएक्ट हुए तो बी के भी पांच ही इक्विवेलेंट रिएक्ट होंगे और सी के भी पांच ही इक्विवेलेंट रिएक्ट होंगे। बी के पांच इक्विवेलेंट ही प्रोड्यूस होंगे, ई के भी पांच इक्विवेलेंट ही प्रोड्यूस होंगे और एफ के भी पांच इक्विवेलेंट ही प्रोड्यूस होंगे। सो सिंपल, इससे आसान चीज क्या हो सकती है लाइफ में। यानी कि हर रिएक्टेंट के इक्विवेलेंट इक्वल नंबर में रिएक्ट करते हैं, सबके पांच 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 रिएक्ट हुए, और हर प्रोडक्ट के उतने ही इक्विवेलेंट बनते हैं, सबके पांच 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 प्रोड्यूस हुए। मैंने रिएक्टेंट के लिए रिएक्टेड बोला, मैंने रिएक्टेंट के कितने इक्विवेलेंट टेकर इनिशियली वो नहीं बोला। प्रोडक्ट के लिए इक्विवेलेंट प्रोड्यूस बोला मैंने, इक्विवेलेंट प्रेजेंट और इक्विवेलेंट लेफ्ट और एनीथिंग एल्स आई नेवर स्टेटेड। तो हर रिएक्टेंट के जितने इक्विवेलेंट रिएक्ट होंगे, हर दूसरे रिएक्टेंट के उतने ही इक्विवेलेंट रिएक्ट होंगे, प्रोडक्ट के भी उतने ही इक्विवेलेंट प्रोड्यूस होंगे। अगर इसके 10 इक्विवेलेंट रिएक्ट हुए तो इसके भी 10 इक्विवेलेंट रिएक्ट होंगे, इसके भी 10 इक्विवेलेंट रिएक्ट होंगे, डी ई और एफ के भी 10 10 और 10 इक्विवेलेंट ही प्रोड्यूस होंगे। अगर इसके 50 मिली इक्विवेलेंट रिएक्ट हुए तो बी के भी 50 मिली इक्विवेलेंट रिएक्ट होंगे, सी के 50 मिली इक्विवेलेंट रिएक्ट होंगे। ए बी सी के 50 50 50 मिली इक्विवेलेंट रिएक्ट हुए तो डी ई एफ के भी 50 50 और 50 मिली इक्विवेलेंट ही प्रोड्यूस होंगे। बस यही तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस है। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट पढ़ते टाइम एन फैक्टर भगवान नहीं है, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस भगवान है। व्हाट आई मीन बाय दिस, मैं क्या बोलना चाहता हूं, मैं ये बोलना चाहता हूं बच्चों कि लॉ ऑफ इक्विवेलेंस यानी कि सभी के इक्विवेलेंट बराबर बराबर रिएक्ट करेंगे और सभी प्रोडक्ट के इक्विवेलेंट उतने ही प्रोड्यूस होंगे बराबर बराबर, ये चीज गलत नहीं हो सकती। अब ये इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर, इक्विवेलेंट निकालने के चार फॉर्मूला देखे थे, सब जगह एन फैक्टर की जरूरत थी। अब लॉ ऑफ इक्विवेलेंस के लिए आपको बैलेंसिंग की जरूरत नहीं है, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस के लिए इक्विवेलेंट्स बस बराबर होंगे। अब वो इक्विवेलेंट्स में एन फैक्टर की जरूरत पड़ेगी। अब एन फैक्टर इस तरह एडजस्ट करना है अलग अलग रिएक्शन में, इस तरह से एन फैक्टर को अलग अलग केसेस में एसिड बेस रिएक्शन में अलग तरीके से डिफाइन किया, आयन के लिए अलग तरीके से डिफाइन किया, रिडॉक्स रिएक्शन में अलग तरीके से डिफाइन किया, एन फैक्टर को अलग अलग रिएक्शन के लिए अलग अलग तरीके से डिफाइन किया। इसलिए एन फैक्टर की डेफिनेशन और एन फैक्टर कैलकुलेशन के तरीके बहुत बतेरे हो गए, दे आर मैनी इन फैक्ट, बहुत सारे हैं। क्यों? क्योंकि सबसे सर्वोपरि लॉ ऑफ इक्विवेलेंस है। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस गलत नहीं होना चाहिए, और लॉ ऑफ इक्विवेलेंस के लिए एन फैक्टर निकाला गया, ना कि एन फैक्टर के लिए लॉ ऑफ इक्विवेलेंस बनाया गया। बड़े गजब की बात बोली है मैंने। What I said, कि दोस्तों लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या है, कि सबके इक्विवेलेंट बराबर नंबर में रिएक्ट करेंगे, सब प्रोडक्ट के इक्विवेलेंट उतने ही नंबर में प्रोड्यूस होंगे। क्या है ये, क्या है ये लॉ ऑफ इक्विवेलेंस है फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन। एक रिएक्शन में ही रिएक्टेंट प्रोडक्ट के इक्विवेलेंट इक्वल नंबर में रिएक्ट और प्रोड्यूस होते हैं रिस्पेक्टिवली, दो रिएक्शन में नहीं। ऐसे नहीं ये रिएक्शन है दूसरी रिएक्शन ये है, इसका कोई भी रिएक्टेंट के इक्विवेलेंट रिएक्टेड दूसरे रिएक्टेंट के इक्विवेलेंट रिएक्टेड और उसके प्रोडक्ट दूसरे रिएक्शन के प्रोडक्ट के इक्विवेलेंट प्रोड्यूस, किसी को भी किसी से इक्वेट कर दोगे नहीं। एक ही रिएक्शन, पहली रिएक्शन, तो पहली रिएक्शन के ही रिएक्टेंट प्रोडक्ट का इक्विवेलेंट रिएक्टेड और इक्विवेलेंट प्रोड्यूस बराबर होंगे। दो रिएक्शन को आपस में कोरिलेट मत करना, एक गलती तो ये करोगे आप लोग। एक ही रिएक्शन के लिए देखना, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज कॉमन मिस्टेक। आप मेरे सुनने के बाद भी आप इस फंसोगे इसमें, यू विल बी ट्रैप्ड, आई एम सीइंग यू बिफोर हैंड, यस दिस विल हैपन टू यू। ओके, तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस के लिए सबके इक्विवेलेंट बराबर है तो कोफिशिएंट का क्या रूल। तो देखो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या बोलता है,
इक्विवेलेंट ऑफ ए रिएक्टेड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ बी रिएक्टेड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ सी रिएक्टेड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ डी produce is equal to equivalent of E produce is equal to equivalent of F produce. ये क्या है equivalent equivalent relation for a reaction. Equivalent equivalent relation for a reaction. यही law of equivalence है. यही law of बताओ कहीं पे small a b c d e जो coefficient है इनका कोई role आया इधर? बस आप गलती कहाँ पर करोगे? आप गलती करोगे जैसे कि ए के 20 इक्विवेलेंट लिए और बी के 10 इक्विवेलेंट लिए, आप क्या करोगे? 20 इक्विवेलेंट कोई, अरे भाई 20 इक्विवेलेंट थोड़ी रिएक्ट होंगे, इसके 10 रिएक्ट होंगे तो इसके 10 ही रिएक्ट होंगे. तो आप जो इनिशियली हैं उनमें से कुछ इक्विवेलेंट रिएक्ट होंगे, कुछ इक्विवेलेंट रिएक्ट नहीं होंगे. तो आप इनिशियल जो रिएक्टेंट है वही ले लोगे, रिएक्टेड वर्ड की इज्जत नहीं करोगे. तो किसी भी रिएक्टेंट के इक्विवेलेंट रिएक्टेड इज इक्वल टू किसी भी प्रोडक्ट के इक्विवेलेंट प्रोड्यूस. अब देखो मान लीजिए इसका बोला है कि 100 ग्राम रिएक्ट हुआ, बताओ F का कितना ग्राम प्रोड्यूस होगा? बाकी सब रिएक्टेंट तो एक्सेस में, कोई कमी नहीं है उनकी. इसका इतना ग्राम रिएक्ट हुआ तो बताओ F का कितना ग्राम प्रोड्यूस हुआ. तो इनकी इंफॉर्मेशन दे रखी है, इसकी इंफॉर्मेशन पूछी है. तो हम क्या करेंगे? इक्विवेलेंट ऑफ A रिएक्टेड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ F प्रोड्यूस. बाकी बीच वालों को पिक्चर से हटा दो, इतनी राम कहानी क्यों लिखनी भाई? जिसका इंफॉर्मेशन दे रखा है, जिसका इंफॉर्मेशन पूछा है, उन्हीं को ही उन्हीं के इक्विवेलेंट इक्वेट करो एक रिएक्शन के लिए, स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन के लिए. बाकी सबको पिक्चर से हटा दो ताकि पिक्चर डर्टी ना रहे. डर्टी पिक्चर, छूना ना मैं जवां हो गई, गाना है ना उसमें, कौन है दैट वेरी स्किलफुल एक्ट्रेस, आई डोंट रिमेम्बर एक्जेक्टली, बट काफी सक्सेसफुल मूवीज दी थी. Equivalent, equivalent, Vidya Balan, I think, yes. So, equivalent of A reacted, equivalent of B reacted is equal to equivalent of C reacted is equal to equivalent of D produced. अगर इसके X equivalent react होंगे, तो इसके भी X equivalent react होंगे, इसके भी X equivalent react होंगे, इसके X equivalent produce होंगे, इसके भी X equivalent produce होंगे, इसके भी X equivalent produce होंगे. तो what is law of equivalence? यही law of equivalence है. Equivalent, equivalent relationship है, यही law of equivalence को बताता है. अगर एक जगह में मिल इक्विवेलेंट करूं तो सब जगह क्या आ जाएगा? मिल इक्विवेलेंट आ जाएगा. एक जगह मिल इक्विवेलेंट करूं तो सब जगह मिल इक्विवेलेंट, एक जगह इक्विवेलेंट करूं तो सबके ही क्या रहेंगे? इक्विवेलेंट रहेंगे लॉ ऑफ इक्विवेलेंस के अनुसार. तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या बोलता है आपको? क्या बोलता है? फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन, मैं सब समझा चुका हूं, बस जस्ट लिख रहा हूं फॉर्मेलिटी के लिए. फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन, एक तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, एक रिएक्शन के लिए लगाना है लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, है ना. फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन इक्विवेलेंस और मिनी इक्विवेलेंट ऑफ ईच एंड every reactant react in equal number to produce same number of equivalent or mini equivalent of is product
इंडिविजुअली ठीक है, जितने रिएक्टेंट के इक्विवेलेंट रिएक्ट होंगे उतने हर प्रोडक्ट के इक्विवेलेंट प्रोड्यूस होंगे, और एक रिएक्शन के लिए दो तीन रिएक्शन को आपस में मत मिक्स करना, ठीक है ना। एक रिएक्शन के लिए देखोगे तो एक पर्टिकुलर रिएक्शन दूसरा इक्विवेलेंट बराबर है, बस यही लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस सर्वोपरि है, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस के लिए अनफैक्टर डिजाइन किया गया है, और लॉ ऑफ इक्विवेलेंस ताकि हरदम एकदम परफेक्ट रहे, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस कभी फ्लॉप ना हो, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस एकदम सर्वोत्तम रहे, उसके लिए एन फैक्टर अलग अलग रिएक्शन के लिए अलग अलग तरीके से डिफाइन किया। इसलिए एन फैक्टर अलग अलग तरह की रिएक्शन के लिए हम अलग अलग तरीके से कैलकुलेट करेंगे, अलग अलग तरीके से एन फैक्टर को डिफाइन करेंगे, क्योंकि लॉ ऑफ इक्विवेलेंस को जिंदाबाद रखना है। तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस के लिए एन फैक्टर बना है, क्योंकि लॉ ऑफ इक्विवेलेंस में हम इक्विवेलेंट निकालेंगे और इक्विवेलेंट मोर मल्टीप्लाइड बाय फैक्टर, एन फैक्टर की जरूरत पड़ेगी। तो एन फैक्टर निकालना एक सेकेंडरी चीज है, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस प्राइमरी चीज है। ये चीज आपके दिमाग में डालने की कोशिश कर रहा हूं मैं बार बार। ये तो इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट हो गया। बताओ मोल कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा था, मोल कॉन्सेप्ट में मोल रिलेशन, बताओ मोल रिलेशन क्या पढ़ा था, मोल ऑफ ए डिवाइड बाय ए, मोल ऑफ बी डिवाइड बाय बी, मोल ऑफ सी डिवाइड बाय सी, मोल ऑफ डी डिवाइड बाय डी, मोल ऑफ ई डिवाइड बाय ई, मोल ऑफ एफ डिवाइड बाय एफ। यहां पे ए क्या था, रिएक्टेड, मोल ऑफ बी क्या था, ये रिएक्टेड, मोल ऑफ सी क्या था, ये रिएक्टेड, ये मोल ऑफ डी क्या है, प्रोड्यूस, यहां पर मोल ऑफ ई क्या है, ये भी प्रोड्यूस है, और मोल ऑफ एफ क्या है, ये भी प्रोड्यूस है डिवाइड बाई एफ। तो मोल कॉन्सेप्ट में मोल की बात करते हैं, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में इक्विवेलेंट की बात करते हैं। यहां पे मोल कॉन्सेप्ट के लिए में कोफिशिएंट की जरूरत है, लेकिन इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में कोई एबीसीडी कोफिशिएंट की जरूरत नहीं है। मोल कॉन्सेप्ट में कोफिशिएंट की जरूरत है, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट के लिए स्टोइकियोमेट्रिकल मोल कॉन्सेप्ट के लिए ये फंडा यूज करते थे, मोल मोल रिलेशनशिप स्टोइकियोमेट्रिक क्वेश्चन करने के लिए, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट के लिए ये यूज करेंगे। जैसे ए का कुछ ग्राम दे रखा है, एफ का ग्राम पूछा है, तो मोल ऑफ ए रिएक्टेड इज इक्वल टू मोल ऑफ एफ प्रोड्यूस डिवाइड बाय एफ, बस इन दोनों को इक्वेट करूंगा, बीच वालों को पिक्चर से हटा दूंगा। इसी तरह इन बीच वालों को सबको हटा दो, इक्विवेलेंट ऑफ एफ प्रोड्यूस इज इक्वल टू इक्विवेलेंट बीच वालों को हटा दो, इसी तरह सेम फैशन। तो यहां पे कोफिशिएंट की जरूरत है, यहां पे कोफिशिएंट की कोई जरूरत नहीं है स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन के लिए। इसलिए मैं बोला मोल कॉन्सेप्ट में बैलेंस केमिकल इक्वेशन अनिवार्य है, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में बैलेंस केमिकल इक्वेशन स्टोइकियोमेट्रिक क्वेश्चन करने के लिए जरूरी नहीं है। ये सब नो, तो ये मोल मोल रिलेशनशिप की बजाय हम क्या यूज करने लग जाएंगे इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में, इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट रिलेशनशिप। यहाँ पे ये सब मोल रिएक्टेंट के रिएक्टेड है, यहाँ पे भी इक्विवेलेंट रिएक्टेंट के रिएक्टेड ही है। यहाँ पे मोल क्या थे, प्रोड्यूस थे प्रोडक्ट के, यहाँ पे भी इक्विवेलेंट क्या है, प्रोड्यूस है, वो चीज कॉमन है। ये सब नो, वो चीज कॉमन है। तो बस लॉ ऑफ इक्विवेलेंस और इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट रिलेशनशिप ही हम लोग यूज करेंगे बिंदास, सबसे ज्यादा काम की चीज वही है। अब जो सबके इक्विवेलेंट जो लिखे हैं, जैसे मोल मोल रिलेशनशिप में ये मोल निकालने के चार फॉर्मूलाज थे, तो इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट रिलेशनशिप में इक्विवेलेंट निकालने के भी चार फॉर्मूलाज है, वो इस्तेमाल करेंगे डिपेंडिंग अपॉन वेट दे रखा है या मोल दे रखा है, क्या दे रखा है उस हिसाब से इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट रिलेशनशिप में। एक छोटी चीज की और बात कर लेता हूं, डिटर्मिनेशन ऑफ एल आर एन ई आर इन ए रिएक्शन, मोल कॉन्सेप्ट में लिमिटिंग रिएजेंट, ये लिमिटिंग रिएजेंट है, ये एक्सेस रिएजेंट है। जब किसी रिएक्शन में दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट होंगे तो एलआरईआर का केस अराइज होता है। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, एक्सेस रिएजेंट कौन है, ये कैसे डिटरमाइन करते थे मोल कॉन्सेप्ट में, इनिशियल मोल जो टी इज इक्वल टू जीरो पे लेते थे, डिवाइड बाय कोफिशिएंट करके सभी का रेशियो निकालते थे, जिस रिएक्टेंट का रेशियो मिनिमम था वो एलआर होता था, या दो रिएक्टेंट का मिनिमम और इक्वल है तो दोनों एलआर का काम करेंगे। यहां पे ऐसा कुछ करना ही नहीं है, यहां पे तो बहुत सिंपल है,
रिएक्टेंट विद मिनिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स है ना टेकन इनिशियली दैट इज टी इज इक्वल टू जीरो पे विद मिनिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स टेकन इनिशियली एक्ट रिएक्टेंट या रिएक्टेंट्स भी हो सकते हैं एक्ट एज एन आर और बाकी सब ए आर बस कुछ है ही नहीं। जैसे मैं बोलूं 2a प्लस मान लो बैलेंसिंग है 3b गिविंग प्रोडक्ट इसके 10 इक्विवेलेंट लिए और इसके 20 इक्विवेलेंट लिए है ना स्टार्टिंग में तो किसके सबसे कम है 10 है तो LR कौन हो जाएगा ये और ये क्या हो जाएगा ER। बहुत ही सिंपल है कुछ करना ही नहीं है वहां तो क्या इनिशियल मोल को या प्रेशर की टर्म में सोल्व कर रहे हैं गैसीय रिएक्शन के तो इनिशियल प्रेशर को कोफिशिएंट से डिवाइड करने थे या वॉल्यूम की टर्म में गैसीय रिएक्शन को सोल्व कर रहे हैं तो वॉल्यूम को इनिशियल वॉल्यूम को कोफिशिएंट से डिवाइड करके रेशियो निकालते थे जिस रिएक्टेंट का रेशियो मिनिमम निकलता था वो LR कहलाता था लेकिन यहां पर ऐसा कोई चक्कर ही नहीं है बहुत ही ब्यूटीफुल है सिंपल जिसके मिनिमम इक्विवेलेंट्स हो इनिशियली कब इनिशियली वही LR है t = 0 मतलब इनिशियली मान लो दोनों के 10-10 होते तो दोनों 10 और 10 की मिनिमम वैल्यू भी 10 दोनों के ही 10 है तो दोनों के दोनों एक साथ खत्म होंगे तो बोथ विल एट एज LR कोई एक्सेस में बचेगा ही नहीं तो एक्सेस रिएजेंट होना जरूरी नहीं है मोल कॉन्सेप्ट में हमने देखा था कि सारे के सारे रिएक्टेंट लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड ऑफ रिएक्शन पे जीरो हो सकते हैं तो लिमिटिंग रिएजेंट जो एंड ऑफ रिएक्शन पे जीरो हो जाए जिसके मिनिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स और मिलीइक्विवेलेंट्स स्टार्टिंग मिलेंगे वो LR हो जाएगा बाकी सारे ER हो जाएंगे इन केस ऑफ रिएक्शन विद मल्टीपल रिएक्टेंट्स। तो दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एन फैक्टर कैलकुलेशन देखेंगे आज हमने इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट की इंट्रोडक्टरी चीजें दे दी जस्ट ब्रीफ रिकैप करवाते हैं जैसे मोल कॉन्सेप्ट और इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट के कुछ क्रॉसफोल्डिंग पैरामीटर है मोल की जगह इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में मोल कॉन्सेप्ट में मोल था इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में इक्विवेलेंट मिली मोल की जगह मिली इक्विवेलेंट मोलरिटी की जगह नॉर्मलिटी मोलर मास की जगह इक्विवेलेंट मास एंड स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस की जगह स्टैंडर्ड इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। क्या होता है इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर मिली इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मिली मोल मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर नॉर्मलिटी इज मोलरिटी मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर तो मोल कॉन्सेप्ट के पैरामीटर मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर हो गया तीन जगह। अब इक्विवेलेंट मास क्या होगा मोलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर एंड इक्विवेलेंट वॉल्यूम क्या हो जाएगा आइडियल गैस का स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम डिवाइड बाय एन फैक्टर। ये रिलेशन है मोल कॉन्सेप्ट इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट के सब जगह एन फैक्टर का जलवा है हम लोग इसलिए नेक्स्ट लेक्चर में सिर्फ एन फैक्टर कैलकुलेशन देखेंगे। रेडॉक्स रिएक्शन में एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं उसका कुछ हिस्सा आप रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर में देख चुके हो नॉन रेडॉक्स रिएक्शन में कैसे एन फैक्टर कैलकुलेशन करते हैं दैट वी विल लुकिंग एंड दैट विल बी इजीियर वन। रेडॉक्स में ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड केस होते हैं एन फैक्टर कैलकुलेशन के मोल में आसान होते हैं। ओके दोस्तों ये हमने डिस्कस किया फिर हमने लॉ ऑफ इक्विवेलेंस डिस्कस किया कि हर रिएक्टेंट के अगर 50 इक्विवेलेंट रिएक्ट हो रहे हैं तो हर रिएक्टेंट के 50-50 रिएक्ट होंगे और प्रोडक्ट के 50-50 तो इक्विवेलेंट ऑफ एनी रिएक्टेंट रिएक्टेड इन ए रिएक्शन इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ एनी प्रोडक्ट प्रोड्यूस इन द सेम रिएक्शन। एक रिएक्शन के लिए ही एक केमिकल रिएक्शन के लिए ही इक्विवेलेंट रिलेशनशिप में आपस में इक्वल करना है ध्यान रखें इस चीज को ठीक है। इस तरह मोल कॉन्सेप्ट में मोल ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टेड एंड मोल ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस से मोल मोल रिलेशनशिप आता है और यूज करते हैं वहां पे कोफिशिएंट की जरूरत होती है बैलेंस केमिकल इक्वेशन की। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस और यहां पर इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में लॉ ऑफ इक्विवेलेंस यानी कि इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट रिलेशनशिप हमें काम आता है। इक्विवेलेंट ऑफ एनी रिएक्टेंट रिएक्टेड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ एनी मोल निकालने के चार तरीके होते हैं उसी तरह इक्विवेलेंट निकालने के भी हमारी केमिस्ट्री में चार फॉर्मूलाज होते हैं। डब्ल्यू बाई ई वेट दे रखा हो तो और E हो जाएगा मोलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर। मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर से भी इक्विवेलेंट्स हम लोग निकालेंगे बहुत कॉमनली यस और नो और सॉल्यूशन है तो नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ लीटर इन लीटर ऑफ सॉल्यूशन से इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट हम लोग निकालेंगे। और फोर्थ आइडियल गैस वाला है वॉल्यूम इन लीटर एचटीपी डिवाइड बाय स्टैंडर्ड इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ गैस जो व्हिच इन टर्न इक्वल टू स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम दैट इज 22.4 लीटर डिवाइड बाई एन फैक्टर से निकलेगा
तो वो आइडियल गैस के लिए। तो इक्विवेलेंट निकालने के चार तरीके हैं, इसी तरह मिली इक्विवेलेंट निकालने के भी हमने देखे चार तरीके हैं। तो इक्विवेलेंट और मिली इक्विवेलेंट जैसे इक्वेट करेंगे रिएक्टेंट प्रोडक्ट के एक रिएक्शन में, तो उसका हम चार तरीके से डिपेंडिंग अपॉन इन्फॉर्मेशन उसकी जगह इक्विवेलेंट और मोली इक्विवेलेंट का फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट जिस भी रिएक्टेंट का इनिशियली मिनिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स लिए हो वही लिमिटिंग रिएजेंट का काम करेगा। एक से ज्यादा रिएक्टेंट है मिनिमम इक्विवेलेंट के साथ तो वो लिमिटिंग रिएजेंट के रूप में काम करेंगे। तो दिस इज द सिनॉप्सिस ऑफ टुडेज लेक्चर। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट एन फैक्टर कैलकुलेशन फॉर रिडॉक्स रिएक्शन एंड नॉन रिडॉक्स रिएक्शन। सबसे पहले हम नॉन रिडॉक्स रिएक्शन में एन फैक्टर कैलकुलेशन देखेंगे, फिर रिडॉक्स रिएक्शन में एन फैक्टर कैलकुलेशन हम लोग देखेंगे, और फिर इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे वी विल सी आफ्टर एन फैक्टर कैलकुलेशन। पर एन फैक्टर एक थोड़ा लंबा टॉपिक है, मैंने बोला था जिस बच्चे को एन फैक्टर आ गया, जिस बच्चे को एन फैक्टर के ऊपर कमांड हो गई, कब कौन सा, पहली बात तो ये नहीं चमकता बच्चों को गई हो क्या भाई, अच्छा एन फैक्टर का ये डेफिनेशन कब यूज करेंगे, वो कब यूज करेंगे, क्योंकि एन फैक्टर की डेफिनेशन अलग अलग केस में अलग अलग है। पहले तो आपको रिएक्शन पहचाननी होगी कि रिडॉक्स रिएक्शन है नॉन रिडॉक्स रिएक्शन, दो कैटेगरी में डिवाइड कर लो सबसे पहले दिमाग में, एन फैक्टर निकालते टाइम रिडॉक्स है या नॉन रिडॉक्स है। नॉन रिडॉक्स में एन फैक्टर अलग तरीके से निकालेंगे, रिडॉक्स में एन फैक्टर की एक ही डेफिनेशन थी। हाँ केसेस बहुत सारे बनेंगे रिडॉक्स में कैलकुलेशन करने के, बट या ट्रिक्स और भी बनाएंगे हम लोग, लेकिन डेफिनेशन एक ही है रिडॉक्स में एन फैक्टर की कि एक एटम एक आयन एक मॉलिक्यूल ने ऑन एन एवरेज कितने इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन किए, वही एन फैक्टर है एटम आयन और मॉलिक्यूल का रिस्पेक्टिवली। रिडॉक्स में ये डेफिनेशन, नॉन रिडॉक्स में डेफिनेशन अलग है, नॉन रिडॉक्स रिएक्शन में डेफिनेशन अलग है। तो एन फैक्टर कैसे निकालेंगे वी विल टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग इन नेक्स्ट लेक्चर, है ना। नेक्स्ट 1 to 2 लेक्चर में हमारा एन फैक्टर कैलकुलेशन का ही जलवा चलेगा, फिर हम इसके एप्लीकेशन देखेंगे। दोस्तों वेल दिस इज द टाइम टू स्टॉप, थैंक यू वेरी मच, कीप रॉकिंग, कीप शाइनिंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद, जय भारत।